हेलो दोस्तों, जो इंजन देख पा रहे हैं अभी, ये हमने रख दिया, ये हेड है, ये सिलेंडर है, एक क्रैंक है। तो फोर स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है, स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती हैं, मतलब फोर स्ट्रोक इंजन में टोटल चार स्ट्रोक होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, चार स्ट्रोक के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मिलते हैं अभी वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसे ही हम गाड़ी में किक यूज करते हैं, मतलब किक से स्टार्ट करते हैं या फिर सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, तो जो ये पिस्टन देख पा रहे हैं, ये नीचे से सिलेंडर किट में ऊपर की तरफ जाता है, मतलब ऊपर से या नीचे की तरफ जाता है। तो दोस्तों, ये जो ऊपर स्थिति होती है, जैसे ही पिस्टन ऊपर होता है, सो इसे बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। मतलब यहाँ पर ये पिस्टन है अभी ऊपर की स्थिति में, तो इसे बोलो टी डी सी। यहाँ पर ये जो इस पिस्टन देख रहे हो, टी डी सी है। और ये पिस्टन जैसे ही नीचे जाता है, सो जहाँ तक जाता है उसे बोलते हैं बी डी सी, मतलब ऊपर टी डी सी, नीचे बी डी सी। तो दोस्तों, पहले ही जैसे हम किक यूज करते हैं, तो पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर जाता है, तो हमारा पहला स्ट्रोक है वो चालू हो जाता है, जिसका नाम है सक्शन। जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, तो हमारा जो इनलेट वाल्व है, ये जो वाल्व देख रहे हैं, इनलेट वाल्व, अभी मैं कैम को प्लस से घुमाता हूँ, जो अभी देख रहे हैं इसमें वाल्व, वो एक वाल्व है वो इनलेट वाल्व है, दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व है। कुछ मैकेनिक भाई इनलेट वाल्व को ठंडा वाल्व बोलते हैं, और कुछ मैकेनिक भाई एग्जॉस्ट वाल्व को गर्म वाल्व बोलते हैं। तो ये सिलेंडर किट देख पा रहे हैं, इसमें पिस्टन नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो ये जो वाल्व देख रहे हैं इनलेट वाल्व, ये खुलता है इस प्रकार से। देखो, अभी मैं प्लास से खोल रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से खुल जाता है। तो जैसे ही ये खुलता है, तो पिस्टन एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सेक्शन करता है, मतलब खींचता है। फिलहाल अभी मैं इसको दिखा रहा हूँ, अभी सिलेंडर किट में डाल के, मान लो ये यहाँ पे पिस्टन है टी डी सी, जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है उसे सेक्शन करेगा, मतलब खींचेगा। तो ऊपर से नीचे जाने में जितनी भी प्रोसेस होती है, वहाँ पे हमारा पहला स्ट्रोक खत्म होता है, उसे बोलते हैं सेक्शन। अब दूसरा स्ट्रोक हमारा चालू होता है, जिसे बोलते हैं कंप्रेशन। दोस्तों, जैसे ही हमारा पिस्टन अब नीचे से ऊपर की ओर आएगा, तो जो एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है, वो ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव के साथ बढ़ा देगा, दबाव मतलब एयर और पेट्रोल के दबाव को बढ़ा देगा, जिससे हमारा जो कंप्रेसर है वो हवा का बहुत तेज़ हो जाता है। ऐसे में जैसे ही पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ आता है, तो एक करंट जनरेट होता है सीडीआई के द्वारा, जिसे बोलते हैं स्पार्क करंट। जैसे ही यहाँ पे पिस्टन आ जाता है, तो दोस्तों नीचे से ऊपर जाने में जितनी भी प्रोसेस हुई, वह कंप्रेसर सेक्शन, मतलब दूसरा स्ट्रोक यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसे कंप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे आने में जितना भी प्रोसेस हुआ, तो उसे कंप्रेशन बोला जाता है। दोस्तों, तीसरा अब यहाँ से स्ट्रोक शुरू होता है, इस समय दोनों वाल्व बंद होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पिस्टन है, इस समय दोनों वाल्व बंद हैं। जैसे ही हमारा तीसरा स्ट्रोक यहाँ पे चालू होता है, यहाँ पे मतलब हमारा टी डी सी पिस्टन पे आ गया, जैसे ही करंट जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद एयर और पेट्रोल का मिक्सर है वो फोल्ड के साथ जला, जैसे कि धमाका चलाते हैं, धमाके के ऊपर कुछ रख देते हैं, तो वह ऊपर की तरफ उछाल लेता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पे जैसे ही कि करंट जनरेट होता है और यहाँ पे फोल्ड होता है, एयर और पेट्रोल का जो मिक्सर है वह जलता है, तो एक धक्के के साथ जो यह पिस्टन देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, तो हमारा तीसरा स्ट्रोक यहाँ से चालू हो जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ, पावर एंड फायरिंग। तीसरा जो स्ट्रोक है वो यहाँ से चालू हो जाता है, कि जैसे ही पावर हुआ, मतलब फायरिंग हुई, तो ये जो पिस्टन देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे की ओर गया। ऊपर से नीचे की ओर जाने में जितनी भी प्रोसेस हुई, जैसे कि ब्लास्ट हुआ, एयर और पेट्रोल का मिक्सर जला, पिस्टन नीचे की ओर गया, तो यहाँ पे नीचे की ओर जाने में जितनी भी जो प्रोसेस हो रही है, वहाँ पे हमारा तीसरा स्ट्रोक खत्म हो जाता है। और फिर चौथा स्ट्रोक हमारा चालू हो जाता है, जैसे कि पिस्टन हमारा नीचे की तरफ गया और फिर ऊपर आना है। तो दोस्तों, ऊपर आने में के लिए जो जला हुआ मिक्सर है, पेट्रोल और डीजल का जला हुआ मिक्सर है, बाकी इसमें मिलावट जो गैस हैं, उसे बाहर निकालने के लिए जो ये वाल्व देख रहे हैं,
एडजस्ट वाल्व, जैसे ही पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर की तरफ आया तो जो एडजस्ट वाल्व है, ये वाल्व देख रहे हो, ये वाल्व खुल जाता है। खुलने के बाद दोस्तों ये इसमें जली हुई जो गैस हैं वो सालंस के जरिए बाहर निकल जाती हैं इस वाल्व की सहायता से। बाहर निकलने पर दोस्तों आवाज़ को कम करने के लिए इसमें साइलेंसर लगाया जाता है। मान लो इसमें ऐसे नीचे से ऊपर की ओर आया और जो एयर है और जो बाकी गैसें हैं जली हुई उसे बाहर निकलने के लिए ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है वो लगा होता है। यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और जो धुआँ है वो बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा कोई भी अगर फोर स्टॉक में एक भी स्टॉक हमारा लीक हुआ या फिर काम नहीं करा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम देती है। दोस्तों ऐसी प्रोसेस करने के लिए जो हमारा ये क्रैंक देख रहे हो, ये क्रैंक दो बार घूमती है और ये कैम है वो एक बार घूमती है। दोस्तों ये क्रैंक का जो गिरारी देख रहे हैं इसके ठीक दुगने, मतलब ये गिरारी जो देख रहे हैं वो 14 दांत की, तो जो हमारा स्पॉकेट है कैम का स्पॉकेट वो 28 दांत का होता है। मतलब हमारी क्रैंक दो बार घूमेगी, ये पिस्टन दो बार सिलेंडर किट में ऊपर नीचे जाएगा इतनी प्रोसेस करने के लिए। चारों स्टॉक पूरा करने के लिए सिलेंडर किट में हमारा पिस्टन दो बार ऊपर नीचे होता है, मतलब क्रैंक दो बार घूमती है और कैम है वो सिर्फ एक बार घूमती है। दोस्तों कैम एक बार क्यों घूमती है, क्योंकि उसको केवल इनलेट वालों को खोलना है और दूसरा हमारा एडजस्ट वालों को बंद करना है। और ये क्रैंक हमारी दो बार इसलिए घूमती है, दो बार में हमारे चारों स्टॉक हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो भाई हमारी वीडियो कैसी लगी, और जो ये स्पॉकेट देख रहे हैं वो 28 दांतों का है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स वॉचिंग।